चलिए आज हमने स्टार्ट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आज सारे के सारे इसी को समझना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इसको किस तरह मालूम किया जा सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें चांद एक चीजें लिखनी है। एम्पिरिकल फॉर्मूले में सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल के बाद लिखने के किस तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम किया जाता है, एम्पिरिकल फार्मूले को किस तरह मालूम किया जाता है और मालूम करने के स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप के बाद हम एक एग्जाम्पल लेके उन स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये हो गया। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन आपने 9 में पढ़ी हुई, जो कि सादा अददी निस्बत को जाहिर करे। ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करे किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यही डेफिनेशन यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, सेम डेफिनेशन। जो एग्जाम्पल्स आप 9th क्लास में की थी, वही सारी की सारी एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद हैं आपके। तो ये जो डेफिनेशन लिखे हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन की हेडिंग दें द फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला विच जो के विच रिप्रेजेंट जो के जाहिर करता है, विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, वॉल नंबर रेशो ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एटम्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, 10th क्लास 9th क्लास में आपने इजीली पढ़ी हुई है। अब इसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल्स, और इसमें एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, बाद में चले जाएंगे किस तरह मालूम किया जाता है। चलो एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो का मतलब क्या है। अच्छा, मैंने पहले लिखता हूं, ये मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, आपने ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं नीचे मैंने लिखे 6, 12, 6, आपने क्या कर लेना है, इसके दरमियान में रेशो, कार्बन 6 है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, ऐसा ही ये रेशो की फॉर्म में लिख लिया। क्या ये नंबर किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड होते हैं जो तीनों को वॉल नंबर ही रखे? 3 पे डिवाइड होता है जी। चलिए जी, मैंने क्या किया, 3 2 बार 6, 3 4 बार 12, 3 2 बार 6, क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है? 2 पे 1 रेशो 2 रेशो 1, क्या ये अब मजीद डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब ये वाली है सिंपलेस्ट रेशो, ये क्या है? अब इसके बाद वॉल नंबर का क्या मतलब है? वॉल नंबर, अच्छा वॉल नंबर उसको कहते हैं जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, पूरी वैल्यू। मसलन ये भी तो रेशो ही है, अगर मैं कहूं 1:1.33:1, ये भी तो रेशो ही है, सिंपलेस्ट रेशो है, लेकिन इसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसको वॉल नंबर नहीं कहेंगे। वो कहता है आपके पास सिंपल हो बिल्कुल इस तरह की, और सारे के सारे वॉल नंबर हो, पॉइंट में आंसर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो। आप जिस किसी कंपाउंड का निकालना हो उसको डिवाइड करते जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, लास्ट में जो आपके पास फॉर्म आएगी उसको हम वो चाहता हूँ। सही, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोजेस, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। किस तरह? कार्बन हमारे पास 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। देख, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसी तरह बेंजीन का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लें,
दो एग्जांपल हो जाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सी एच, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच सिक्स। कार्बन भी छह है, हाइड्रोजन भी छह है, छह पे डिवाइड कर दे वन वन आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सी सिक्स एच सिक्स है। समझे इस चीज की? अब इसके बाद आ जाएंगे ये वाली चीज, लोगों क्वेश्चन आती है राइट डाउन द स्टेप्स टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आपके इस चैप्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और सबसे इजी है तरीका का, कि किस तरह आप एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का मालूम कर सकते हैं, उसका तरीका का पूरे का पूरा लिखें। पांच या चार स्टेप्स हैं, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल दो दो वर्ड याद रखने हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। चलें, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मेथड्स या मेथड या पूरा क्वेश्चन लिखे पहले, राइट डाउन द स्टेप्स लिखने या मेथड लिखने, स्टेप्स इन्वॉल्व उन स्टेप्स के नाम लिखे जो के शामिल होते हैं इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्वेश्चन आएगा। अब पहले सिंपल काम ये करना है कि आपने सारे मेथड स्टेप्स के नेम लिखने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करना कि ये क्यों आ रहा है। एग्जांपल करेंगे, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, चंद एक टर्म्स यूज करूंगा, टर्म्स का भी आपने कुछ नहीं पूछना कि सर ये टर्म क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगी। चल लिखना स्टार्ट कर दे, साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहला काम, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। पहला स्टेप ये है कि आपने एलिमेंट की परसेंटेज मालूम कर लेनी है। सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये वर्ड याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। फॉर दिस, अगर आप नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस डिवाइड, आपने डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज को, तो इट्स एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास, आपने उस एलिमेंट की परसेंटेज को एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये फॉर्मूला याद रखते जाइएगा, नंबर ऑफ, ये बुक में लिखा, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ऊपर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऊपर, नीचे आपने क्या करना है एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नीचे रख देना है। सही हो गया, यह तरीका का है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशो, डिटरमाइन द, ये वर्ड आपने याद रखना है एटॉमिक रेशो। थर्ड स्टेप में आपने मालूम करनी है एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो मालूम किस तरह करते हैं, फॉर दिस, फॉर दिस, इस काम के लिए डिवाइड द, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो यहां पे हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम किया, इसको आपने डिवाइड कर देना, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी कीमत पर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम, ये काम करना है। तो जो यहां पे नंबर ऑफ ग्राम एटम आ रहे हैं, इस जितने भी होंगे दो या तीन, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी नंबर ऑफ ग्राम एटम की, उस पर सब नंबर ऑफ ग्राम एटम को डिवाइड कर देना। अभी सिर्फ लिख ले, बाद में देखते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर
फोर पे आ जाएं, इफ द रेशो या फिर एटॉमिक रेशो लिख लें, इफ द एटॉमिक रेशो इज वॉल नंबर, अगर एटॉमिक रेशो वॉल नंबर है, वॉल नंबर, देन राइट द एम्पिरिकल फार्मूला, फिर आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिख देना है, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का लिख देना है। अगर इफ द एटॉमिक रेशो, अगर एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो इज नॉट अ वॉल नंबर, इज नॉट अ वॉल नंबर, अगर वो वॉल नंबर नहीं है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट, मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, सूटेबल डिजिट, तो आपने इसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ, डी आई जी आई टी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आपने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी के पास कैलकुलेटर है? तो ठीक है, उसको निकाले, मुझे जो जो कीमतें कहूंगा ना उसको आपने कर देना। स्टेप्स लिख रहे हैं सारे के सारे जल्दी से, ये इतने स्टेप है, ये इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, इतना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, चार स्टेप से चार नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, और बिल्कुल सिंपल तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी इस चैप्टर में से। आपने ये वाले जो ब्लू ब्लू वाले वर्ड है ना, पहले में परसेंटेज वाला, ये वाला वर्ड आपने याद रखना है, ये वाला वर्ड लाजमी लिखिएगा, अगर आप ये वाले वर्ड नहीं लिखते हैं ना तो आपको वो नंबर नहीं देगा, पहले में परसेंटेज, दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम एटम, तीसरे में एटॉमिक रेशो, और फोर्थ में वॉल नंबर हो तो क्या करना है, अगर वॉल नंबर ना आए तो फिर आपने क्या करना है, ये चार चीज़ें, चार चीज़ों को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, इसी को हम लिखते हैं, लिखने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी कॉन्टेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, ये वाली एग्जांपल ना काफी दफा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बड़ी दफा आ चुकी है, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपके इस चैप्टर में से, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो 90% चांस होते हैं कि आपके एग्जाम्पल्स में से, और 10% चांस होते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में से, और 10% चांस भी वो तीन चार न्यूमेरिकल मैक्सिमम बार दे रहा होता है, तो तीन चार न्यूमेरिकल ही मैक्सिमम टाइम देगा। इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 3। लिखने का तरीका अगर आपको पता है अच्छे तरीके से, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सबसे पहले आपने हेडिंग बना लेनी है गिवन डाटा, कि आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, गिवन डेटा, जो चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले देखा जाए तो परसेंटेज सारे एलिमेंट्स की, कार्बन की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड की हैं। कार्बन की परसेंटेज है 40.92%, क्या है, 40.92%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.58%, ऑक्सीजन की परसेंटेज है हमारे पास 54.5%, 54.5%। अब कहता है कि ये हमारे पास तीन चीजें प्रोवाइड करके हमें कह रहे हैं कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दें, तो डिटरमाइन या टू पॉइंट, पांच सी चीज हमें मालूम करने के लिए कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए कह रहा है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन कि आप इसको किस तरह हल कर सकते हैं। सही है। अब देखें सॉल्यूशन, ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो फिर क्योंकि ये हमने लिखा है राइट ऑन द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ये वो स्टेप्स हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? परसेंटेज मालूम कर लें। मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर ने खुद ही परसेंटेज दी हुई एलिमेंट की, चेक कर ले कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, हमें परसेंटेज प्रोवाइड कर दी उसने खुद ही। पहला स्टेप मतलब सॉल्व है हमारा। सेकंड स्टेप में उसने कहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम किस तरह मालूम करना है? परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास पे। चले जी, एटॉमिक या नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ, यहां पे सिर्फ मैं इसकी हेडिंग बना रहा हूँ, नीचे डायरेक्ट लिखते जाऊंगा। ये नंबर ऑफ ग्राम एटम की हेडिंग बना ले, नीचे मैं डायरेक्ट लिख दूंगी किस किस चीज के नंबर ऑफ ग्राम एटम है। पहले नंबर पे कार्बन एटम, कार्बन एटम के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। इसको सॉल्व करने लगा हूं, क्या करना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऊपर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऊपर रखनी है, नीचे क्या करना है आपने? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। चलें जी, परसेंटेज कितनी है? 40.92%, 40.92%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। नो 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 नो, सिर्फ उस एलिमेंट की। आपने 40.92% को 12 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? 3.41। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसको सिंपल लिखना है, रेशो है नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन सी, क्या? हाँ, सेम फार्मूला आपने यहां पे लिखना है, सेम फार्मूला यहां पे, ये वाला फार्मूला सेम आ जाएगा। अब देखें इसकी परसेंटेज कितनी हाइड्रोजन की? 4.58 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, 4.58 इस पे डिवाइड करें 4.54। अच्छा, यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं अगर एग्जैक्ट करना चाहते हैं ना, कहते हैं हमारे वो मिस्टेक सबसे कम हो, तो आप यहाँ पे 1.008 ही रखिएगा। यही आगे जाके भी यूज करेंगे, 1.008 ही रखेंगे हम। अब इसके बाद मैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने लगा हूँ, वही फार्मूला सेम, ऊपर परसेंटेज, नीचे एटॉमिक मास। परसेंटेज ऑक्सीजन की 54.5 ओवर एटॉमिक मास 16, डिवाइड करें क्या आंसर? क्या? 3.40। सही हो गया। यहां तक समझ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम किस तरह निकालते हैं, इस स्टेप क्लियर। चले नेक्स्ट, हमारे निकालनी है कि एटॉमिक एटॉमिक रेशो, में कार्बन की भी निकालूंगा, हाइड्रोजन की निकालूंगा, ऑक्सीजन की भी निकालूंगा, तीनों चीजों की एटॉमिक रेशो निकालने लगा हूं। तो उसके लिए करना क्या आपने, ये देखते जाइए नेक्स्ट हेडिंग बना रहे, जिस तरह ये बनाइए ना एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो, क्या हम एटॉमिक रेशो निकालने लगे, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, एटॉमिक रेशो निकालने के लिए क्या करना है आपने, फॉर दिस इसके लिए क्या करें, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकले हमारे पास जितने भी, इसको तकसीम कर देना है किस से, नंबर ऑफ ग्राम एटम विद या टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसमें जब से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी कि 3.40 लेके आपने इसको सब पे डिवाइड कर देना है, सबको इस वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। ये आपके पास, हाँ, ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो लिखने लगा। सबसे पहला काम क्या है, आपने सब एलिमेंट की एटॉमिक रेशो पहले वैसे लिखे, नंबर ऑफ ग्राम एटम वैसे लिखने, क्या है हमारे पास 3.41, यहाँ पे क्या है 4.54,
फाइव फोर, और यहाँ पे क्या आएगा किसको? चलो कोई बात नहीं, जब डिवाइड करेंगे वो पता चल जाएगा, सही हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या, एटॉमिक रेशो मालूम करना चाहते हैं, रेशो का साइन यहाँ पे दरमियान में डालते जाइएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबको डिवाइड कर दें, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू 3.40 आ रही है, 3.40 मैंने सब पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 1.33 आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे भी वन ही आएगा। हाँ आप देखें, ये वाले रेशो सारी मेरे पास आ गई है, कोई बात नहीं, वो इसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, 1.331 यहाँ तक समझ है। यह है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो किस तरह निकाली है कि जितने भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आएंगे उसमें से आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे छोटी वैल्यू को मालूम करना है। सबसे छोटी वैल्यू को मैंने मालूम कर ली, ये वाली थी, इस वैल्यू को सब वैल्यू पे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम, आप फोर स्टेप है कहते हैं, अगर तो आपके पास जो एटॉमिक रेशो आ रही है वो नंबर है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिख देना है। देखें ये वाला तो वो नंबर है, पॉइंट में नहीं आ रहा, देखें ये वाला वो नंबर नहीं है, मतलब ये पहली वाली बात तो हम यहाँ पे करेक्ट नहीं कर पाए। सेकंड बात पे आ जाए, अगर तो इसके पास देन एटॉमिक रेशो, अगर एटॉमिक रेशो इज नॉट अ होल नंबर देन मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, तो आपने किसी एक ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर बन जाए। अब देखें 1.33 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये होल नंबर बन जाए, करके देखें, दो के साथ करके देखें, तीन के साथ करके देखें, हाँ तीन के साथ करें, क्या आता है आंसर 1.33 × 3 = 4, सही है। अब यानी अगर हम तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3। क्या हमने एक ऐसे नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है कि ये सारे के सारे होल नंबर बन जाए, बन गए। और बाज दफा ऐसा होगा कि आप यहाँ तक करेंगे ना, यहाँ तक आपके पास सारे के सारे होल नंबर ही आएंगे, फिर आप कुछ नहीं करना, किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर होल नंबर नहीं आ रहे तो आपने मल्टीप्लाई करके ये होल नंबर आ रहे हैं, लास्ट में आपने क्या कर देना है, देन राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें हमारे एम्पिरिकल फार्मूले में, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले आपने सिंपल इसी तरह लिख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन कितने आ रहे हैं 3, एच फोर, देखना हमारे पास हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन, ये है जो एम्पिरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, पता चल गया है। चले आप एक मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दफा रिवीजन करवा देता हूँ आपको क्या क्या चीजें, एक मिनट आपकी कंसंट्रेशन साइड पे कर लें, लिखना बंद कर रहे हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूले के डेफिनेशन में आपने एक वर्ड लाजमी याद रखा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये वर्ड लाजमी लाजमी डेफिनेशन में लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, यानी कि एटम्स के साथ आती थी नस्बत। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला यह है, मैंने सबको डिवाइड करते गया, एक वक्त ऐसा इसको मजीद डिवाइड नहीं कर पाया रेशो को, तो ये जो रेशो आई मेरे पास, मैंने कही है मेरे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, इस तरह बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला सी एच है। अब मालूम करने का तरीकाकार यह है कि सबसे पहले आपने परसेंटेज, अब बाज दफा मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि परसेंटेज एग्जामिनर आपको खुद ही दे देगा, अगर तो खुद दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो पीछे आपने दो तीन फार्मूले पड़े हुए हैं परसेंटेज मालूम करने के, परसेंटेज खुद मालूम कीजिएगा। परसेंटेज मालूम करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाना नंबर ऑफ ग्राम एटम पे। नंबर ऑफ ग्राम एटम किस तरह मालूम करना है कि आपने परसेंटेज को डिवाइड कर देना है किस चीज़ पे, एटॉमिक मास पे, जिस तरह यहाँ पे किया है कि हर एक एलिमेंट का परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे, उसी के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे, फिर आपने क्या मालूम करना है, एटॉमिक रेशो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या,
एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम होगा, जो वैल्यू होगी, उसको बाकी वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एटॉमिक रेशो होगी। अब एटॉमिक रेशो आपके पास आ गई, आपने दो चीजें देखनी है। अगर तो वो होल नंबर है, डायरेक्ट उसको इंपेरिकल फॉर्मूला दे देना है। अगर वो होल नंबर नहीं है तो आप इसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर बन जाए। होल नंबर बनने के बाद आपने उसको एम्पिरिकल फार्मूला दे देना। और ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत दफा आ भी चुकी है एग्जाम में। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। वो आपको कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे आप परसेंटेज निकाल लें, मतलब आपको फॉर्मूला बता देंगे, फॉर्मूले से आपने परसेंटेज निकाली सीखी हुई है, या फिर उन एलिमेंट्स के मैथ्स बता देंगे, इतने ग्राम है इतने ग्राम है, आप उससे परसेंटेज मालूम करेंगे। हाँ, ग्राम में बताएंगे, आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर देंगे जिससे परसेंटेज मालूम की जा सके। ये आगे एक और तीन चार फार्मूले और भी हैं परसेंटेज मालूम करने के, हालांकि वो तरीकाकार है कि ये फार्मूले तीन चार बनते हैं, मैक्सिमम बार उस तरीकेकार से हम परसेंटेज मालूम करेंगे। और भी क्वेश्चन? हाँ, बहुत सारे आएंगे, वो टेंशन ना लें, आपका माइंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा किस तरह एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। लेकिन इस चीज का एक बात याद रखिएगा, डिफिकल्ट ना लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जिस तरह मैंने कहा कि ये नाम याद रखने, दो दो तीन तीन वर्ड हैं, ये वर्ड अगर आपको याद है तो आप